दोस्तों आपने भी कभी ना कभी जियो का फ़ोन यूज़ किया होगा। जियो का जो है जो कीपैड वाले फ़ोन आते हैं ये आपने ज़रूर यूज़ किए होंगे और आपने देखा होगा इनकी बैटरियाँ अक्सर फूल जाती हैं। क्यों फूल जाती हैं? एक मोबाइल रिपेयर वाला होने के नाते आज आपको मैं सही जानकारी दूंगा। वीडियो में बने रहना दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। आज बहुत काम की जानकारी देने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू करते हैं। सीखो ऐसा जो काम आए बिल्कुल फ्री। बिट्टू सर से। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बिट्टू और आप देख रहे हैं टेक्निकल बिट्टू फोन। दोस्तों जियो फोन की बैटरी इस वक्त मेरे हाथ में है, ये फूली हुई है, देखिए है ना, इसके अंदर गैस सी भर गई है। ये फूलती क्यों है आज मैं इसका रीज़न आपको बताने वाला हूँ। देखिए जियो फोन आप जब भी कभी खरीदते हैं ना, उसके साथ एक चार्जर आता है जो कि 125 एम्पियर का होता है। आप क्या करते हैं, उसमें लगा देते हैं 2 एम्पियर का चार्जर या 2.5 एम्पियर का चार्जर। वो उस जियो फोन का जो डायोड होता है उसको सपोर्ट नहीं कर पाता है और वो पूरी की पूरी वोल्टेज बैटरी कनेक्टर तक पहुँचा देता है। उसके बाद आपकी बैटरी फूलनी शुरू हो जाती है। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है दोस्तों, जियो फोन के साथ जो चार्जर आता है ना 125 एम्पियर का आता है, ठीक है, वही चार्जर आपको खरीदना है। अगर आपका चार्जर ख़राब हो जाए, चोहा काट दे, कुछ भी हो जाए, उसका तार वगैरह ख़राब हो जाए, तो आपको क्या करना है, कभी भी 2 एम्पियर का चार्जर इसमें नहीं लगाना है, 2.5 एम्पियर का भी मत लगाना। एक तो बात ये हो गई, और दूसरी बात एक और बता देता हूँ आपको मैं, कि आप कभी भी अपने जियो के फ़ोन को रात भर चार्जिंग पे लगाकर मत छोड़ना। इनकी जो चार्जिंग आईसी होती है ना, तो ये देखो होते तो चाइनीज़ है, इन पर लिखा भले ही होगा मेड इन इंडिया, आप देख लेना जियो फोन के बैटरी हटाकर पीछे देखेंगे तो मेड इन इंडिया लिखा होगा इस पर, मगर ये मेड इन इंडिया नहीं होते भाई साहब, बन के आते हैं चाइना से ही। इनके जो मदरबोर्ड होते हैं चाइनीज़ ही होते हैं, तो ठीक है, इनकी बनावट सारी पूरी वो ये चाइना से बन के आती है। तो चार्जिंग आईसी इसमें लगी होती है, बहुत कम हल्के मटेरियल की लगी होती है, हल्की क्वालिटी की होती है। तो आप रात भर अगर चार्जिंग पर लगा कर रखेंगे ना, तो सेट गर्म भी होगा, उसके बाद आपकी बैटरी फूलनी शुरू हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट ये होगा, एक और सुन लीजिए, अगर आपका फ़ोन कभी बारिश में भीग जाए या फिर आपका फ़ोन पानी में गिर जाए, तो आपको देखिए सबसे पहले करना क्या है, अपने फ़ोन की बैटरी को निकाल कर जियो फ़ोन की, और आप उसे धूप में सुखा दीजिए। अगर धूप नहीं आ रही हो तो बल्ब आपने देखे होंगे 100 वाट 60 वाट वाले, उनके पास इसे थोड़ी देर के लिए रख दीजिए, ताकि इस बैटरी के अंदर जो मॉइस्चर है वो उड़े। तो इस कंडीशन में आपकी बैटरी ख़राब भी हो सकती है, बैटरी का बैकअप भी कम हो जाएगा, बैटरी डेड भी हो सकती है, ठीक है। और आपको बताया था, अगर आप रात भर चार्जिंग में लगा के छोड़ देंगे तो बैटरी फूल भी सकती है आप। और चौथी बात जो कि बहुत ज़रूरी है, जिसका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, कभी अभी आपके जियो के फ़ोन के अंदर चार्जिंग की प्रॉब्लम अगर आ जाए तो आपको देखिए करना क्या है, आप किसी भी दुकान पर जाएंगे ना, उस पर बोलेंगे चार्जिंग जैक चेंज कराने के लिए, तो भाई उसको साफ शब्दों में आप बोल देना कि मेरे फ़ोन के चार्जिंग आईसी के साथ छेड़खानी मत करियो, अगर तेरे पास इसका चार्जिंग जैक ओरिजिनल वाला रखा है तो लगाइए, दूसरा इसमें फिट करने की कोशिश मत करिए। अगर दूसरा फिट करवा दिया उसमें, तो दोस्तों ध्यान रखना आपका एक तो चार्जिंग बहुत स्लो होगी। जिस बंदे के पास जियो का फ़ोन होगा ना, वो इस बात को बखूबी जानता होगा कि उसने चार्जिंग जब कभी भी चेंज कराया होगा तो वो स्लो चार्जिंग करने लगा होगा। तो दोस्तों ये प्रॉब्लम आ जाती है अदर चार्जिंग जैक डालने की वजह से, उसका जो ओरिजिनल चार्जिंग जैक होता है जैसा होता है वैसा नहीं डाला जाता। बहुत सारे बंदे होते हैं जो अनाड़ी बंदे होते हैं मोबाइल रिपेयर करने वाले, वो जुगाड़ करके कोई दूसरा चार्जिंग जैक उसमें चिपका देंगे, उससे आपको आपके फ़ोन को प्रॉब्लम आ जाती है, वो स्लो चार्ज करने लगता है। और काफ़ी बंदे इतने बड़े बड़े इंजीनियर साहब होते हैं, मैं जब मोबाइल फ़ोन खोलता हूँ ना तो मुझे दिखाई देता है उसमें चार्जिंग डायोड ही नहीं होता, वो डायोड फाड़ के फेंक देते हैं, क्यों उनकी समझ में नहीं आती वो चार्जिंग फास्ट कैसे करेंगे, डायोड फाड़ के फेंक देते हैं, उसके बाद जंपर मार देते हैं प्लस पॉइंट से डायोड पर मारते हैं ना, कि मोबाइल रिपेयर वाले जो होंगे वो समझ नहीं रहे होंगे इस बात को मैं क्या बात कर रहा हूँ, ये क्या बात करता है यार। तो ऐसा मत किया करो भाई, अगर आपकी समझ में नहीं आ रही ना, तो मैं बता देता हूँ भाई, ओरिजिनल चार्जिंग जैक जब आप डालोगे ना तो आपका फ़ोन सही स्पीड से चार्ज होगा और 125 एम्पियर का चार्जर ही लगाना। जियो के फ़ोन में ना कभी भी फास्ट चार्जर मत लगाना, इससे आपकी बैटरी फूल जाएगी, ठीक है, ये कभी भी यूज़ मत करना। ये आपको मैंने कुछ पॉइंट बता दिए, जो जिस भाई के पास जियो के फ़ोन है ना घर में, देखिए हम देख कर रखते हैं अपने बड़ों को, मम्मी पापा को, बड़े बड़े हमारे बुजुर्ग, हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं उनको ऐसे ही फ़ोन दिए जाते हैं ना जियो वाले, तो भाई इन चीज़ का आप ख्याल रखें। मेरा ख्याल है आपको कुछ ना कुछ नॉलेज इस वीडियो से मिली होगी, ऐसी हेल्पफुल वीडियो ये रिपेयरिंग वाला आपके लिए लेकर आता रहेगा। चैनल पर नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और कमेंट करना और शेयर जरूर करना, ताकि पूरे हिंदुस्तान को पता चले कि आप किस तरीके से अपने मोबाइल फ़ोन की हिफाजत कर सकते हैं, उसकी प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने बिट्टू भाई को इजाज़त दीजिए, जय हिंद और जय भारत।